हबू का किचन में आज हम सिंपल आलू मटन बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। अगर आपको ये सिंपल आलू मटन की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर एक सिंपल और नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सिंपल आलू मटन बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन मैरिनेट करेंगे। एक बाउल में 750 ग्राम मटन, 1/4 नमक, 1/2 कप दही, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और सारे मसाले को मटन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। सिंपल आलू मटन को हम कुकर में बनाएंगे तो एक कुकर में 1/2 कप ऑयल लेंगे और इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड करेंगे। मटन को हाई फ्लेम पर 3 से 5 मिनट के लिए भूनना है। मटन को हाई फ्लेम पर मसाले के साथ अच्छे से भून लेने के बाद 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 3 मीडियम साइज की प्याज का बिरस्ता ऐड करेंगे। और इसे भी हाई फ्लेम पर 3 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। तीन से पांच मिनट मसाला हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेने के बाद 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से पानी ऐड करें, हमें मटन को कुक करना है। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ढककर इसे मटन कुक होने तक पकाएंगे। मटन कुक हो रहा है तब तक हम आलू को फ्राई करते हैं। 3 मीडियम साइज के आलू को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। आलू को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और इसे गोल्डन ब्राउन करना है। आलू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब देखते हैं मटन कुक हुआ है या नहीं। मटन अच्छे से कुक हो गया है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनी है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू ऐड करेंगे। और
इसे भी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। इजी आलू मटन रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको इजी आलू मटन की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।